तो खान पान के चीजों में मानव अपशिष्ट की मिलावट अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है, कुछ यही कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे स्थित चटोरी गली है, काफी फेमस गली है। पहले कैमरामैन नीरज यहाँ की विजुअल सबको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दूर तक खाने की दुकानें नजर आएंगी, अलग अलग तरह का डोसा है, साउथ इंडियन फूड है, फास्ट फूड है, और पूरी राजधानी लखनऊ का जो युवा है या जो फैमिली वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और शाम को यहाँ पर सोया चाप हो गया, तमाम इस तरह की चीज़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो निर्देश आए हैं, क्या जो फूड आइटम्स यहाँ मिलते हैं उनकी क्वालिटी ठीक है, खाने लायक है, या जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट है उसका ये सभी लोग पालन कर रहे हैं, ये समझेंगे ग्राउंड से, बातचीत करेंगे और करेंगे रियलिटी चेक। आदेश के बाद क्या है यहाँ की तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है भाई साहब सोया चाप बना रहे हैं, क्या क्या बनाते हैं आप लोग? सोया चाप, तंदूरी मोमो। और किस सामग्री का इस्तेमाल होती है? सामग्री होता है चाट मसाला, होता है नमक हो गया। अच्छा, ये जो आजकल मामला हुआ तिरुपति वाला कि उसमें आपने सुना होगा ना प्रसाद में मिला दिया गया, आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं लखनऊ में कि जो है ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है खाना बनाते समय, तो आप लोगों को पता चला? नहीं, हमें मुझे जानकारी नहीं सर। जानकारी नहीं सर। अच्छा, तो ये सब करेंगे अब? करेंगे सर। क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ग्लव्स लगाएंगे और मास्क पहनेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, और भी आप आगे ले चलते हैं। यहाँ पर भी एक दुकान आपको दिखाई पड़ेगी, हालांकि ये देखिए सर को कवर किए हुए यहाँ पे लोग। ये क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? डोसा? कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से, कानपुर रहने वाले हैं। आज जो निर्देश दिया है चीफ मिनिस्टर ने यूपी के, कहा है ना कि जो तिरुपति जिस तरह का मामला हुआ है, मिलावट बहुत हो रही है आजकल। जी सर। आप लोग किस कैसे सामग्री बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हम तो बहुत कैप लगा के बनाते हैं, मास्क लगा के बनाते हैं। मास्क तो है नहीं? नहीं नहीं, वहाँ गोडाउन पे रहता है, बाकी वहाँ मास्क बना कर रहता है, रहता है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपका तवा है, यहीं पर आप बनाते हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता मास्क और ग्लव्स होने चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए। बोला है आज, और नाम लिखा देगा, दिखाइएगा यहाँ पे क्या लिखा है, रिचॉइस डोसा द वायरल डोसा स्टॉल। जो निर्देश आए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी दुकान या बड़े बड़े ठेले हैं जिनमें बाहर आपने लिखा हुआ है, नाम लिखिए दुकान का, अपना नाम, कर्मचारी जो काम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी, वो सब लिखनी है। जी सर।